हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का लेक्चर 7। इससे पहले हमने 6 वीडियो पढ़ा दिया है, तो यदि आपने 6 वीडियो को नहीं देखा है तो उन 6th वीडियो को आप देख लीजिए। आपको देखने के लिए या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सिक्वेंस में। या आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप केवल इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से सीक्वेंस में एक एक करके चैप्टर वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, सॉरी अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, ये घटना क्या होती है, पूरा हम डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है। इसी में आ जाएगा जो आपका सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम क्या होता है, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा दूसरा हमारा टॉपिक जो है कि जो अपवर्तन का नियम, तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, उनको भी हम जानेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है तीसरा जो है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अब अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद अपवर्तनांक के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहें या प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहें, दोनों बात एक ही है। तो ये क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझेंगे। और इस वीडियो में ही प्रकाश का जो अपवर्तन का पूरा जो टॉपिक है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये सब आपको इसी वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं, और आप यदि हमसे पढ़ते होंगे, ठीक है, तो आप जानते ही होंगे एक एक टॉपिक को हम रटवाते नहीं, हम समझा कर ही याद करा देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो इसको हम फिगर से समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। देखिए, ये अपवर्तन किसे कहते हैं, मान लेते हैं ये कोई सतह है। अब इस सतह के ऊपर मान लेते हैं इधर है वायु माध्यम और इधर है सघन, मतलब इधर हम कह दे रहे हैं ये है कांच, ठीक है। तो ये वायु है, इधर कांच है, या हम जल भी ले सकते थे। तो ये वायु है, इधर है कांच। तो वायु क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा विरल माध्यम, क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा विरल माध्यम और ये हो जाएगा सघन माध्यम। अभी हम विरल सघन पे डिस्कस करेंगे कि ये सभी क्या होते हैं। पहले हम छोटी सी एक टॉपिक पर आ रहे हैं कि जैसे वायु इधर है ऊपर, इस सतह के ऊपर है वायु और इस सतह के नीचे क्या है, इस सतह के नीचे कांच वाला माध्यम है। तो हम कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से, ऐसे मान लेते हैं ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो जैसे विरल माध्यम से प्रकाश किरणें आती हैं तो ये सतह पर, जहाँ पर सतह पर टकराएंगी वहाँ से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो हम जानते हैं जब प्रकाश के विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन मतलब कांच में जाएंगी, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, इस प्रकार अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई है ना। तो इस वाले को क्या कहते हैं, ये जो किरण है, इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और इस वाले किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम अभिलंब कहते हैं या केवल लंब भी कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये है आई, यहाँ पे मैं इस कलर से लिख दे रहा हूँ, और ये है आर। अब यहाँ पे आई क्या है, थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद डेफिनेशन तो आपको याद हो जाएगा। जो आई क्या है, तो आई है यहाँ पे आपतन कोण,
और जो कोण आर है ये है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इतनी जो बातें हमने बताया है, ये फिगर से जो भी हमने समझाया है, ये आपको समझ में आया होगा। अभी आपको डिफिनेशन बताया जाएगा। पहले हमने क्या बताया कि हमने कहा कि एक ऊपर क्या है, इस सतह के ऊपर एक अलग माध्यम है, इस सतह के नीचे क्या है, एक अलग माध्यम है। ऊपर क्या है, वायु माध्यम, नीचे है कांच माध्यम। वायु माध्यम विरल माध्यम हो जाएगा, कांच जो है वो सघन माध्यम हो जाएगा। तो हमने यही कहा कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे? अब आते हैं हम परिभाषा पर। तो हम परिभाषा यही कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें हैं, तो हम कहेंगे जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो एक बार और मैं डेफिनेशन को बोल रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट अभी रफ की कॉपी लेकर बैठे हुए हैं वो अपने रफ में लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लिख देंगे। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं लिख पाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस डेफिनेशन को लिखना है, उसके बाद ये फिगर बना लेना है। ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, आई क्या है आपतन कोण है, आर क्या है अपवर्तन कोण है, ये सभी आपको दर्शा देना है। अब आता है कि ये याद रखेंगे, अपवर्तन को हम बहुत तरीके से डिफाइन इसको कर सकते हैं, बहुत तरीके से इसको परिभाषित हम कर सकते हैं। एक और परिभाषा जो प्रचलित है, जो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं, आप वो कह देंगे कि जब प्रकाश किरणें किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से, वो क्या कहेंगे, किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से, वो यही कहेंगे जब प्रकाश किरणें किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। मार्ग से विचलित होने का मतलब अपने मार्ग से भटक जाती हैं, कभी अभिलंब की ओर झुकेंगी, कभी अभिलंब से दूर हटेंगी। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो वो भी बात सही है। ठीक है, उस पर मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता, ठीक है, क्योंकि क्लास 12th में पूरा इसको विस्तार में हम जानेंगे। पहले तो आपको बेसिक जो है उतना ही आप जानिए, क्लास 10th के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इतना ही जानिए कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद ये सब को लिख लीजिएगा। अब आता है यहाँ पे चार ठो परिभाषा आपसे, छोटी छोटी है, जो कोई भी टीचर भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले पूछ सकते हैं कि विरल माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है, तो विरल माध्यम आप क्या कहेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। क्या हमने कहा कि प्रकाश की चाल जिस माध्यम में कम होती है, सॉरी प्रकाश की चाल अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम विरल माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल कम होती है, प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है,
अधिक होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। तो इस प्रकार आप कह देंगे ना। अगला आता है, इसका आपसे पूछ लिया जाता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, जिससे आपतन कोण ये आई है। तो आप क्या कहेंगे आपतन कोण का डेफिनेशन, आप यही कहेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तन कोण क्या कहेंगे इसको, तो आप यही कहेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। समझ में आया ना, अपवर्तन कोण का डेफिनेशन क्या कहेंगे आप, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा सभी का, पूरा हमने डिटेल में आपको समझाया समय लेकर। तो मैं यही कहूंगा यदि आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे ही थोड़ा सा पेशेंस बनाए रहेगा और एक एक करके चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को आप पढ़िएगा, आप प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे टॉपिक जो है उसको देखते हैं। ले लिए होंगे, चलिए तो अब हम देखते हैं आगे जो है कि इसके संबंध में एक टॉपिक है जो है अपवर्तन का नियम, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो अपवर्तन का नियम आपको जानना है, अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन के नियम जानने के लिए आपको ये फिगर याद होना चाहिए जो अभी हमने ये बनाया था, ठीक है। इस प्रकार हमने बनाया था फिगर, तो ये क्या होता है, ये एक हम अभिलंब यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, यहाँ पे आई, यहाँ पे जो कोण बनता है वो R, इसे हम आपतित किरण कहते हैं, ऐसे हम अपवर्तित किरण, ठीक है, ये अभिलंब है। ठीक है, इतनी बात हमने अभी आपको बताया है। तो देखिए पहला नियम, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, कितने, दो नियम होते हैं। तो सबसे पहला जो नियम होता है, प्रथम नियम, अब प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम में यही बताया जाता है कि आपतन कोण की जया आई, मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि जो आपतित किरण होती है, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये एक ही सतह है ना, तो एक ही सतह पर है कि नहीं, आपतित किरण भी यहाँ पे मिल रही है, अपवर्तित किरण भी यहीं पर और अभिलंब भी, तीनों एक ही सतह पर मिल रहे हैं। तो इसे यही कहा जा रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही सतह पर होते हैं। तो यही आपका प्रथम नियम है। तो आप क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, मतलब पर अपवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार, इतना लिखने के बाद आप यही लिखेंगे कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। तो आशा करते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट्स है ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला नियम लिखेंगे कि अपवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। अब आते हैं द्वितीय नियम पर, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में क्या बताया जाता है, द्वितीय नियम में सिंपल वे में यही कहा जाता है कि द्वितीय नियम का ये एक फॉर्मूला होता है, म्यू इजकल टू साइन आई बटे साइन आर, ये द्वितीय नियम का फॉर्मूला है, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे, ये आई क्या है, आई है आपतन कोण, जो आई होता है आपतन कोण होता है, और जो आर होता है अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। इतनी बात हम जानते हैं, आई आपतन कोण, आर जो होता है अपवर्तन कोण होता है। और याद रखेंगे साइन जो होता है ना, साइन को हम जया कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, जया कहते हैं। तो हम यही कहेंगे कि अपवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार, समझिएगा, अपवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण, ये आई क्या है, आपतन कोण है, तो आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर,
का अनुपात, ये क्या है, अनुपात है ना, तो का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया, यही आपका द्वितीय नियम है। हमने क्या कहा, हमने यही कहा कि ये I क्या है, आपतन कोण है, तो हम यही कहेंगे कि अपवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण की जया I तथा अपवर्तन कोण की जया R का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया ना, मतलब जो क्या है अपवर्तनांक, क्या है, एक नियतांक ही होता है, ठीक है, जो क्या होता है, तो यही हम अपवर्तनांक का भी डेफिनेशन यही होगा। आप क्या कहेंगे कि अपवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण की जया I तथा अपवर्तन कोण की जया R का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे इसे ही हम स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं, इसे ही स्नेल के नियम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो यदि आपको स्नेल का नियम भी कोई भी पूछता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप यही लिखेंगे अपवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण की जया I तथा अपवर्तन कोण की जया R का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, तथा इसे ही स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं, या स्नेल के अपवर्तनांक के नियम के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सब कुछ जो आपको बताया गया है, बार बार दो तीन बार बोला गया है, ये क्यों बोला गया है कि आप उसको लिख लें और बार बार सुने तो आपको याद हो जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको वीडियो में अगर आप देख रहे हैं और अगर 70-80% आपको याद नहीं हो रहा है तो पढ़ाने में ही डिफेक्ट है, या तो आपको पढ़ने में डिफेक्ट है या तो पढ़ाने में। तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, तो आशा है कि यहीं से आपको याद हो रहा होगा, तो आप यही लिख लेंगे, द्वितीय नियम में यही लिखेंगे। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपतन कोण की जया I तथा अपवर्तन कोण की जया R का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, इसे हम किसके नाम से, इसे हम स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं, या स्नेल के अपवर्तन संबंधित नियम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको यदि आता है अपवर्तन का प्रथम नियम, तो आप क्या कहेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। और द्वितीय नियम में आप यही लिखेंगे कि अपवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण की जया I अपवर्तन कोण की जया R का R का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, तथा इसे स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको ये फॉर्मूले लिख देना है। तो अपवर्तनांक भी कोई पूछता है तो आप यही कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का जो टॉपिक है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये सभी का नोट्स आपको मिलेगा, अभी आप केवल यहाँ पर ध्यान दीजिए और कोशिश ये कीजिए कि आप इसको रफ में एक एक पॉइंट्स को लिखिए और याद करने की वीडियो में ही कोशिश कीजिए। बार बार इसको जो बताया जा रहा है उसको सुनिए, फिर से वीडियो को पॉज करके उसको सुनिए, बार बार उसको रिपीट कीजिए अपने स्वयं से, ठीक है, तभी आपको याद होगा, ठीक है। अगला आते हैं अपना जो है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को तो अभी हमने आपको बताया ही था, साइन I बटे साइन R। तो अपवर्तनांक का यही फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू साइन I बटे साइन R। तो हमने यही से अभी तो आपको डेफिनेशन बताया था कि आपतन कोण की जया I तथा अपवर्तन कोण की जया R का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। डेफिनेशन हमने लिखा हुआ था, तो आप लिख लिए होंगे आशा करते हैं। अगला आता है कि इसका एक और फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू V1 बटे V2। अब यहाँ पे V1 V2 क्या है, तो ये है प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब फर्स्ट जो माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल है,
क्या है? चाल है। आइए सेकेंड माध्यम में प्रकाश की चाल है, समझ रहे हैं ना? जैसे दो माध्यम था अभी हमने बताया था कि एक ऊपर माध्यम है कोई, एक नीचे कोई माध्यम है, मान लेते हैं जल, ऊपर है वायु। तो ये मान लेते हैं इस माध्यम में प्रकाश की चाल V1 है और इस माध्यम में प्रकाश की चाल V2 है। तो यही कहा जा रहा है कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो आपको अपवर्तनांक का इस तरीके से भी डेफिनेशन कर सकते हैं, आप यही कहेंगे कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल V1 तथा द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल V2 का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, जो भी टॉपिक है उसको पूरा डेप्थ में चला जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो क्या है छोड़ दिया जा रहा है, जो आपके मतलब जानेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, जब आप थोड़ी सी स्टेप अभी तो आप क्या कर रहे हैं, आप हाई स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, तो जब 11th में जाएंगे थोड़ा सा टॉप मिलेगा, उसके बाद 12th में जाएंगे तो पूरा डेप्थ में इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए केवल आप प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके पढ़िए। और इस चैप्टर का मान लेते हैं ये 7वां वीडियो है, इससे पहले 6 वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देखिए। मैसेज आपको शुरू में ही हमने बताया, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सपोर्ट करने के लिए उन सभी के पास शेयर कीजिए कि उनको भी एक अच्छा से, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर रटना नहीं, आपको यहाँ पर याद करना सिखाया जा रहा है, तो आप भी उनको मदद कीजिए। जो आपको लगता है कि हाँ उनको याद नहीं होता है, वो डेफिनेशन को रटते हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो डेफिनेशन को रटते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जो रटे, वो समझ कर याद करे, ठीक है। लगभग 80% लड़के रट कर ही याद करते हैं, 9th में 10th में 11th 12th तक भी लड़के जो होते हैं वो रटते हैं। तो आशा है कि आप रटेंगे नहीं और आप स्वयं किसी को रटने में नहीं देंगे, आप उनके पास हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, उनसे बताएंगे आप, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। तो जो अपवर्तनांक अभी हमने देखा, तो अपवर्तनांक के ही दो प्रकार होते हैं, अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तना, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ये बताया जाता है कि वायु, ध्यान दीजिएगा, वायु या निर्वात के सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का क्या बोला जा रहा है, अपवर्तनांक कहा जा रहा है। ये हम क्यों लिखते हैं ऐसा? ऐसा हम इसलिए लिखते हैं कि आपको यहीं से याद हो जाए। तो हमने क्या कहा, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, अभी आपको एग्जांपल से समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं ऐसे हमने लिख दिया एमयू जी या हमने एमयू डब्ल्यू लिख दिया, ये हमने दो चीज़ें लिखा है, एम यू जी लिखा, फिर से जी म्यू सॉरी एम यू डब्ल्यू लिख दिया। अब इसको मैं कहूँ पढ़ने के लिए तो आप क्या पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, परंतु पढ़ने का एक तरीका इसका होता है, इसको यही कहा जाएगा। ये ए क्या है, ए है एयर, एयर मतलब वायु, और जी है ग्लास मतलब कांच है। तो ये दो, एक है एयर एक है ग्लास, तो हम यही कहेंगे कि देखिए ये जो पहला वाला होता है तो हम इसको यही कहेंगे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब कांच का अपवर्तनांक, जो पहला होता है इसके हम सापेक्ष कहेंगे और दूसरा होता है इसका अपवर्तनांक कहेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, ये एयर क्या है, एयर है मतलब वायु है, तो हम कहेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ए क्या है एयर मतलब वायु है और डब्ल्यू क्या है जल है, तो हम यही कहेंगे इसके सापेक्ष कहेंगे और डब्ल्यू को अपवर्तनांक कहेंगे। तो हम यही कहेंगे कि एयर मतलब वायु के सापेक्ष
जल का अपवर्तनांक, तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि वायु या निर्वात के सापेक्ष, मतलब ये कंडीशन दे रहा है कि शुरू में एयर होना ही चाहिए, एयर मतलब वायु या निर्वात होना ही चाहिए, ठीक है। तो निर्वात का तो कोई संकेत नहीं होता है, परंतु जो एयर होता है उसका संकेत है ए। तो शुरुआत में जहाँ भी ए दिखे, शुरुआत में जहाँ भी ए दिखे, ए के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक यदि आपको दिखता है, तो ये समझ जाइए कि ये जो अपवर्तनांक है ये कौन सा अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। जैसे कि मान लेते हैं W mu G लिख दिया गया और आपसे पूछा गया कि भैया इसको कैसे पढ़ेंगे, तो हम ये जानते हैं W क्या है, जल है, और G क्या है, कांच है, ग्लास है। तो हम यही ना कहेंगे कि जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये हम पढ़ेंगे। परंतु मैं अगर पूछूं कि ये कौन सा अपवर्तनांक है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। बिल्कुल नहीं, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था कि शुरुआत में आपको कंडीशन लगाया जा रहा है कि वायु या निर्वात के सापेक्ष होना चाहिए, और यहाँ तो सापेक्ष किसका है, जल के सापेक्ष है ना, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं कहलाएगा। जो वायु या निर्वात के सापेक्ष होगा वही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। तो मैं डेफिनेशन अब लिखूंगा नहीं, आपको मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, लिखिए लिखिए आप स्वयं। आप क्या लिखेंगे कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, और ये दो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ठीक है। अगला आते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा हम देख लेते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। बताइए सापेक्ष अपवर्तनांक, तो हमने यही जाना, पहला हमने जाना कि वायु या निर्वात के सापेक्ष होगा तो उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहेंगे, कहेंगे। परंतु याद रखेंगे इसमें जस्ट इसके अपोजिट होता है, इसमें ये होता है कि वायु या निर्वात के अलावा, कह रहा है कि वायु या निर्वात के अलावा किसी माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब किसी माध्यम के सापेक्ष, समझिएगा इसमें ये का, इसमें कंडीशन था कि वायु या निर्वात होगा, वायु या निर्वात के सापेक्ष होगा तो उसको हम निरपेक्ष कहेंगे। परंतु इसमें कहा जाता है कि वायु या निर्वात के अलावा किसी माध्यम के सापेक्ष, कोई भी माध्यम हो तो किसी माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम क्या क्या कहा जा रहा है, अपवर्तनांक कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब वायु या निर्वात के अलावा किसी माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब जैसे कि W mu G हो गया, W mu G हो गया, तो देखिए इसमें वायु के सापेक्ष है या निर्वात के, तो आप कहेंगे नहीं, किसके सापेक्ष है, तो W मतलब जल के सापेक्ष है, तो जल के सापेक्ष हो गया ना, तो वही कहा गया था वायु या निर्वात के अलावा, तो अलावा ही तो है, जल है, तो मतलब किसी माध्यम के सापेक्ष, मतलब कांच माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक, तो किसी अन्य, कोई अन्य माध्यम है कि नहीं, ये तो ग्लास है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा G mu W हो जाएगा, तीसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा W mu A हो जाएगा, या चौथा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा G mu A हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे तो केवल सापेक्ष की बात हो रहा है, तो यहाँ पे एयर आ जाएगा इधर, तो अपवर्तनांक न कहलाएगा, इसको हम कहेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो ये आपका हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, मतलब आगे यदि ए नहीं आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखेंगे तो आप सीधा कह देंगे सापेक्ष है, और यदि आगे ए आ गया, जैसे ए म्यू जी आ गया, ए म्यू डब्ल्यू आ गया, तो आप सीधे कह देंगे कि वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, चलिए ले लीजिए, उसके बाद ही हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे, चलिए अब हमारा अंतिम जो टॉपिक है वो आता है, तो उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे, ठीक है। अंतिम हमारा टॉपिक तो शायद यही बच रहा है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आपका, हाँ चलिए अब हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत भी हम देख लेते हैं। प्रकाश का उत्क्रमणीयता
या तो प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहें या उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहें, दोनों बात एक ही है। अब आता है कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक फिगर से। देखिए, ये सभी जो टॉपिक है ये पूरा डेप्थ में हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे पूरा कंसिस्टेंस मतलब जो क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझकर इसको याद कीजिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं, आप इसको चलिए ये ठीक है। देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जैसे अपवर्तनांक कैसे हो रहा था, तो ये इस प्रकार क्या है, ये प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो हमने जानना है कि जहाँ पर टकराती हैं वहाँ पर हम एक अभिलंब ऐसे खींच लेते हैं, तो ये हमने अभिलंब खींच लिया। तो हमने जाना कि ये प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु ये अभिलंब की ओर झुक गई ना। ठीक है, तो हम इसको जानते हैं, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अपवर्तित किरण। ठीक है, यह है अभिलंब। यह है I, यहां पर जो बनता है वो R। ठीक है, इतना बेसिक तो हम जानते हैं, अभी हमने शुरू में ही पढ़ा था। तो इसमें केवल यही बताया जाता है कि जब प्रकाश किरणें कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, ये माध्यम मान लेते हैं कि वायु माध्यम है, मतलब विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम, जैसे कि जल आप मान सकते हैं। ठीक है, ये विरल माध्यम है। देखिए, हम यहीं से आपको याद कराएंगे, तो हम यही जानते हैं कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, प्रकाश की कौन सी घटना हो रही है, तो आप सिंपल वे में कहेंगे कि यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन की घटना हो रही है। तो ये प्रकाश की कौन सी घटना हो रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है ना, तो यहाँ पर प्रकाश की अपवर्तन की घटना हो रही है। ठीक है, अभी मैं डेफिनेशन आपको याद करा रहा हूँ कि इस सिद्धांत में हमें क्या बताया गया, या ये इस नियम में हमें क्या बताया गया। तो हमें यही बताया गया कि जब मतलब इस मतलब हम कहेंगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांतों के अनुसार हमें क्या बताया गया कि प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात, जब ये प्रकाश का अपवर्तन हो चुका है मतलब अभिलंब की ओर झुक गई हैं, तो अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश मार्ग को विपरीत कर दिया जाए, मतलब ऐसे प्रकाश किरणें आई हैं तो इस प्रकार जा रहे हैं, परंतु यहां पर यदि हम एक दर्पण लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एक मिरर, एक हम दर्पण लगा देते हैं, तो दर्पण से क्या होता है, दर्पण क्या करती है, प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देती है, परंतु इस दर्पण को हम 90 डिग्री पर लगा रहे हैं, 90 डिग्री पर हम लगा रहे हैं, मतलब इस दर्पण को हम क्या कर रहे हैं, इसके लंबवत, प्रकाश किरणों के लंबवत लगा रहे हैं, तो ये प्रकाश किरणों को उसी दिशा में क्या कर देगा, उसके मार्ग में ही क्या कर देगा, परावर्तित करेगा। तो यदि हम इसके जो क्या होता है, अंत में यदि हम दर्पण लगाते हैं तो ये उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जिस मार्ग से आई हुई होती हैं। कौन वापस लौट जाती हैं, तो ये जो प्रकाश किरणें हैं, यदि हम प्रकाश किरणों के आगे हम एक दर्पण रख देते हैं तो प्रकाश किरणें उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं जिस मार्ग से आई हुई होती हैं। जैसे इधर से इस प्रकार आई थी, फिर से इधर दर्पण लगाएंगे तो ये इधर से फिर से इस तरीके से चली जाएंगी। समझ में आया, इस सिद्धांत में इसी को बताया गया है। तो आप क्या कह सकते हैं, इस पूरे सिद्धांत को आप कैसे बोलेंगे, आप यही कहेंगे कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात, क्या कहेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश के मार्ग को विपरीत कर दिया जाए तो प्रकाश उसी मार्ग का अनुसरण करता है जिस मार्ग से आया हुआ होता है। देखिए, इसको समझना पड़ेगा आपको। हमने क्या बोला, एक बार और मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, जो नियम है, इस सिद्धांत है, इसको मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और उसे बार बार सुनिए, रिपीट करके सुनिए और उसे याद कीजिए। हमने यही कहा कि मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस सिद्धांतों के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश के मार्ग को विपरीत कर दिया जाए तो प्रकाश उन्हीं मतलब प्रकाश उसी मार्ग का अनुसरण करता है जिस मार्ग से आया हुआ होता है।
तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है। अब ये सिद्धांत को मैं पूरा डिटेल में तो लिखवा नहीं सकता इतना जो बोल रहा हूँ, तो आप स्वयं सुनिए, ऐसे लिखिए। और नोट्स तो आपको दिया जा रहा है ना, तो उससे भी ले लीजिए। कितना इतना कम हमने, मतलब एक आपके सुविधा के लिए इतना हमने कम जो नोट्स के लिए प्राइस रखा है कि एक गरीब से गरीब भी स्टूडेंट उसको जो क्या होता है उसको खरीद सकता है। तो आपके लिए ये सिंपल वे में आप यही कह सकते हैं, या आपको नियम तो बोला जा रहा है, यदि आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं मत कीजिए, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसीलिए तो सब कुछ लिखवाया जाता है या बार बार बोला जाता है। तो आप लिखिए, आप क्या कहेंगे, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांतों के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश के मार्ग को विपरीत कर दिया जाए तो प्रकाश उसी मार्ग का अनुसरण करता है जिस मार्ग से आया हुआ होता है, ठीक है। तो इतनी बात आप लिख देंगे केवल सिद्धांत में, आपका सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद इस फिगर को बना लीजिएगा और इधर आप दर्पण लगा दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको प्रूफ करने के लिए बहुत से ऐसे हैं जो प्रूफ करने के लिए आता है, तो यदि आप चाहें तो प्रूफ कर भी सकते हैं, जैसे कि प्रूफ करना चाहें तो कर भी सकते हैं, जैसे कि ये वायु माध्यम है, वायु मतलब ये ए है और ये जो है डब्लू, ठीक है, यही तो है। तो जब प्रकाश किरणें इधर से इधर जा रही हैं, इसका मतलब क्या है, ए म्यू जी, ए म्यू डब्ल्यू है, तो मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हम क्या जानते हैं कि साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, जैसे हम जानते हैं ना म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है, ये बात हम जानते हैं। तो यही केवल लिखा जा रहा है, अपवर्तनांक ही है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, मतलब सॉरी जल का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, ये फॉर्मूले को याद रखेंगे। दूसरा आता है कि जस्ट, अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट्स है जो आपको समझना है, तो ये आपका हो गया। दूसरे में कि जस्ट यदि हम इसको विपरीत करते हैं, अब इधर से जब दर्पण लगाएं तो अब इधर से प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो अब इसके सापेक्ष मानेंगे इसका अपवर्तनांक, मतलब अब यहाँ पे पहले हम ए म्यू जी डब्ल्यू लिए थे, अब हम डब्ल्यू म्यू ए लेंगे, तो डब्ल्यू म्यू ए लेंगे तो साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा, तो साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड लेते हैं, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का यदि हम गुणा कराते हैं, सेकेंड का यदि हम गुणा कराते हैं तो क्या मिलता है, ए म्यू डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू म्यू ए इजकल टू साइन आई बटे साइन आर, गुणे क्या हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई, साइन आर बटे साइन आई, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बता, ए म्यू डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू म्यू ए इजकल टू वन, तो यही है आपका जो अपवर्तना जो क्या है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का एक फॉर्मूला है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, या आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ए म्यू डब्ल्यू इजकल टू वन अपान, ये गुणा में है इधर आकर भाग कर आएगा तो डब्ल्यू म्यू ए, तो इस फॉर्मूले को भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो क्या होता है प्रूफ करने का है, ये क्लास ट्वेल्थ में बताया जाता है, किसी किसी कोई कोई ऐसा राज्य है, ठीक है, अलग अलग बहुत से स्टूडेंट होंगे जो अलग अलग राज्य से होंगे, तो बहुत से, मैं तो यूपी से हूँ तो यूपी में तो ऐसा हम देखे हैं, ठीक है, कुछ राज्य है जो एम पी हो वहाँ पे तो ऐसा है, मतलब क्या है इसको नहीं बताया जा रहा है, केवल उस सिद्धांत को ही यहाँ पे मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप केवल सिद्धांत को ही याद कीजिएगा, ये क्लास ट्वेल्थ में है तो इसको आपको क्लास ट्वेल्थ में बताया जाएगा, फिर भी मैंने बता दिया, यदि आपको समझ में आता है डेरिवेशन तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमें नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो नोट्स के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमारी जो टीम है उससे आप उनसे आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे नोट्स, फिजिक्स का पूरे एक वर्ष का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का आपको नोट्स दिया जाएगा पूरा, और वहाँ से आपको कुछ रुपये, केवल कुछ रुपये आप एक मार्केट में जाते हैं, कुछ भी चीज़ें खाते हैं, उतनी कम प्राइस में आपको तीनों का नोट्स दिया जा रहा है, तो इससे कम क्या हो सकता है, वो भी हम लेते नहीं, केवल जो हमारी टीम है तो उनके लिए तो कुछ तो चाहिए ना, तो यही है, ठीक है। वेस्ट अगर आपको मन करे तो आप लीजिए, नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गरीब हैं, ठीक है, उनके पास उतना भी नहीं है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल क्या कीजिएगा, आपको जो बोला जा रहा है उसको सुनिए और सुन सुनकर आप लिखिए, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और थोड़ी सी आप बुक की भी हेल्प ले लीजिए, या आपको नोट्स चाहिए तो आप उतना रुपये तो पे करके आप ले ही सकते हैं, वो आपको सब कुछ बताएंगे कैसे आपको करना है, आप केवल मैसेज करके आप मांगेंगे तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से सिक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़
सकते हैं। अदरवाइज यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को पास ये जो क्या है वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनसे बताइएगा जब भी मिलिएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।